हाय एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं फोर लूप के बारे में। ओके, तो फोर लूप होते क्या है हम लोग ये सब जानेंगे। उसके अलावा फोर लूप का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। कि सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि जो फोर लूप होता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और साथ ही बाकी जो और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप फ्यूचर में सीखोगे तो उनमें भी जो है फोर लूप यूज़ होता है। ठीक है, फोर लूप के बिना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल अधूरी होती है। ठीक है, तो चलिए फिर एकदम अच्छे से एकदम बिल्कुल मज़ेदार तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कि फोर लूप होते क्या है। तो वीडियो आगे तक जरूर देखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फटाफट से हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि लूप्स होते क्या। तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं, मैंने लिखा है व्हाट आर फोर लूप्स। ओके, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि मैंने जो फोर को डबल कोट्स के अंदर क्यों लिखा है। तो गाइस इसलिए लिखा है क्योंकि फोर जो है वो एक कीवर्ड है। ठीक है, और टोटल कॉन्सेप्ट को यानी कि जो टोटल कॉन्सेप्ट है ना फोर लूप, इसको हम लोग कहते हैं फोर लूप, और यहाँ पे फोर कीवर्ड है इसलिए मैंने इसको डबल कोट के अंदर रखा है, तो कन्फ्यूज मत होना। चलिए तो जानते हैं कि फोर लूप होते क्या है। सो गाइस फोर लूप जो है वो एक फंक्शन है, या फिर आप इसे कहते हो कि ये एक फीचर है पाइथन का, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, जिसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, डूइंग यानी कि करवाने के लिए बहुत सारे काम, मैनी वर्क्स, बहुत सारे काम को करवाने के लिए ऑटोमेटिक सीरियल वाइज। यानी कि जो फोर लूप है वो फंक्शन का एक फीचर है, या फिर आप उसको एक फंक्शन भी कह, फंक्शन जो वो एक फीचर है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं बहुत सारे काम को ऑटोमेटिक करवाने के लिए स्टेप बाय स्टेप, समझ के। तो कोई ऐसा काम है जिसको हमें बार बार करवाना है अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम लोग जो है फोर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझे। अभी एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, ब्रूट फोर्सिंग पासवर्ड्स। तो ब्रूट फोर्सिंग में क्या होता है, आप लोग इजीली जानते हो ब्रूट फोर्सिंग में क्या होता है। हम लोग ब्रूट फोर्सिंग के किसी का भी पासवर्ड हैक करते हैं, जैसे कि फेसबुक अकाउंट है, तो फेसबुक में हैक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारी एक पासवर्ड लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट का यूज़ करके। लिस्ट आप लोग मैंने पिछले लेक्चर में बता रखे कि लिस्ट क्या होती है, तो लिस्ट का यूज़ करके हम लोग एक पासवर्ड लिस्ट बनाएंगे, फिर उस पासवर्ड लिस्ट को बार बार ट्राई करेंगे, और जो सा भी पासवर्ड मैच हो जाएगा अकाउंट से वो पासवर्ड हमारा हमें मिल जाएगा, सिंपल। तो ब्रूट फोर्सिंग में हम लोग बहुत सारे पासवर्ड को बार बार ट्राई करते हैं, बार बार, कई बार क्या होता है हज़ार पासवर्ड जाते हैं, कई बार क्या लाख पासवर्ड, उसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो ब्रूट फोर्सिंग तो केवल एक एग्जांपल है, समझ गए। तो ब्रूट फोर्सिंग हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, हम लोग एक ही फंक्शन को बार बार कर रहे हैं, पासवर्ड्स को चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फोर लूप का, समझ गए। तो ये तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा हम लोग जो है फोर लूप का यूज जो है बहुत सारे बड़े बड़े कामों में भी करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग आगे जानोगे। ठीक है, तो एग्जांपल समझ गए, एग्जांपल कि ब्रूट फोर्सिंग से रिलेटेड कोई भी काम होता है जैसे, उन सब के लिए हम लोग फोर लूप का यूज करते हैं। अब उसके अलावा देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड मतलब इसमें जो कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम लोग जो है दो कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं टोटल फोर लूप के अंदर। पहला जो है वो है फोर, ओके, और दूसरा जो है वो है इन। ठीक है, इन, तो इन्हीं दोनों कीवर्ड्स का यूज़ हम लोग करेंगे पूरे फोर लूप में, समझ के। अब सिंटैक्स देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है, मतलब इसका जो फंक्शन है उसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम में, सिंटैक्स देख लेते हैं वो। तो हम लोग सबसे पहले फोर कीवर्ड जो है हमारा फोर को लिखेंगे, उसके बाद कोई भी एक रैंडम नेम लिख देंगे। रैंडम नेम कैसे, जैसे कि हम लोग कोई भी वेरिएबल बनाते तो उसमें कोई भी एक रैंडम नेम ले लेते ना, तो वैसे यहाँ पे हम भी जो है कोई भी एक रैंडम नेम ले लेंगे। और जैसे ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग जो है एक वेरिएबल ही बनाएंगे, हम लोग पहले फोर लिखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पहले फोर लिखा और फिर हम लोग रैंडम नेम यानी कि कोई से भी नेम का एक वेरिएबल यहाँ पे बना देंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इन कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, इन कीवर्ड, इन कीवर्ड किस लिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और फिर यहाँ पे हम लोग कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट माने ये स्पेलिंग कंटेंट नहीं लिखनी, कंटेंट का मतलब वो कंटेंट, वो वैल्यू जिसे हमें बार बार लिखना है। जैसे कि हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, एक लिस्ट बनाई हम लोगों ने जिसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड स्टोर है, जिसके ऊपर हमें ब्रूट फोर्सिंग करनी है। ठीक है, तो वो सारे पासवर्ड किसी वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे, फिर वो भी वेरिएबल जो होगा ना जिस वेरिएबल में सारे पासवर्ड स्टोर होंगे वही वेरिएबल हमारा कंटेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका नाम आप लोग चाहो कंटेंट रख लो या कुछ भी रख लो, तो वही कंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, वो वैल्यू जिसे हमें बार बार रिपीट करवानी, जैसे कि पासवर्ड्स हो गए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने वो वैल्यूज यहाँ पे कंटेंट के रूप में लिखी, और फिर इन कीवर्ड का यूज करके हम लोग उन सारे वैल्यूज को कहाँ पहुँचा देंगे, इसमें, इस रैंडम नेम में, यानी कि हम लोग रैंडम नेम का एक नया वेरिएबल बनाएंगे और इन कीवर्ड की इन जो आई एन इन है इसकी हेल्प से उस सारे पासवर्ड्स को कहाँ पहुँचा देंगे, अपने नए बनाए हुए वेरिएबल में, और फिर फोर जो लिखा है इस फोर की मदद से उसको हम लोग बार बार यूज कर पाएंगे, समझ गए। तो फोर के अंदर हम लोग किसी भी चीज़ को यूज करने के लिए पहले उसे एक रैंडम वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो ये सब चीज़ आप लोग करते टाइम सीखोगे। अभी आप लोग इसका जो है सिंटैक्स जान लो, कैसे हम लोग पहले एक फोर लिखते हैं, फोर के बाद हम लोग एक रैंडम नेम लिखते हैं, फिर इन लिखते हैं, इन एक कीवर्ड है, फिर यहाँ पे अपनी कंटेंट का वेरिएबल जिसके अंदर हमारा सारा पासवर्ड या भी जो भी चीज स्टोर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने जो भी फंक्शन है वो फंक्शंस लिख देते हैं, एनी फंक्शन माने कोई भी फंक्शन। ठीक है, और याद रखिए हम लोग फंक्शन कैसे लिखेंगे, एक टैब देकर के, जैसे हम लोग इफ एल्स में लिखते थे ना एक टैब देकर के, तो जब भी हम लोग टैब देकर के कुछ चीज लिखते हैं मतलब वो चीज उसके अंदर आ रही है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक टैब देकर कोई भी फंक्शन लिखेंगे, वो सब चीजें किसके अंदर आएंगी, फोर के अंदर आएंगी, समझ गए, फोर ग्रुप के अंदर वही चीजें बार बार चलेंगी, समझ गए, जो चीज़ फोर के अंदर आएंगे वो चीज़ें बार बार चलेंगे, वो सारे फंक्शंस बार बार चलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट एग्जांपल दिया, मैंने प्रिंट करवा दिया, किसको प्रिंट करवा दिया, रैंडम नेम को। रैंडम नेम क्या है, ये रहा रैंडम नेम, इस रैंडम नेम के अंदर क्या है, कंटेंट आया, कंटेंट के अंदर आप लोग क्या रखोगे, वही आपकी जो पासवर्ड लिस्ट है अभी जो भी चीज़ आप लोग डालोगे वो हम लोग इनकी हेल्प से
किसमें ले लेंगे, रैंडम नेम जो भी आप लोग डालोगे के, फिर हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो अभी प्रिंटर ना जो प्रिंट होते जाएगा रैंडम नेम के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो बार बार प्रिंट होती जाएंगी लगातार होती जाएंगी। तो अभी तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से दिख जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ गए होंगे कि फोर लूप होते क्या। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे इसका एक प्रैक्टिकल, एक बढ़िया सा टूल बनाएंगे, उसमें आप लोगों को फोर लूप के बारे में एकदम अच्छे से पता लग जाएगा। ओके ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय।